हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े भाई बहन माता पिता को चरण स्पर्श। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो इधर हो चुकी है सुबह और हम आज खाने में बना रहे हैं, आलू कला रहे हैं और इधर भरवा आलू के पराठे बनाएंगे। चाय तो इधर हम बनाने लगे हैं पराठे और ये हमने आलू के भरवा पराठे बनाए हैं। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइएगा, खा लीजिएगा गर्मा गर्म आलू के पराठे। किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड सर्दियां आ गई हैं, तो ये चीज़ें तो सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आलू के भरवा पराठे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में खाने में बहुत। तो काम करते करते वही 1 बज गए थे और आज हमारे कपड़े भी काफ़ी काटने को रखे थे, ब्लाउज थे और सूट भी था। तो इधर हम अपने कपड़े काट लेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो इधर हम काटने जा रहे हैं सूट, ये सिर्फ सूट है, इसका सलवार नहीं था तो उसकी कुर्ती ही खाली बनेगी। तो इधर हम काट लेंगे और 2 ब्लाउज भी हैं काटने को, तो उस साथ में ब्लाउज भी काट लेंगे, उसके बाद हम सिलेंगे क्योंकि एक साथ ही हम काट लेते हैं, बाद में सिलते हैं। सारी चीज़ें एक साथ काट के रख लेते हैं तो बार बार हमें उठना नहीं पड़ता है। तो हम एक साथ ही सारे कपड़े काट लेते हैं, फिर धीरे धीरे सिलते रहते हैं। 1-2 दिन में जो कुछ होते हैं टाइम मिल पाता है तो सिल लेते हैं उतनी देर में। और काम करने के बाद हम अपना सिलाई करते हैं, उसके बाद जो 1-2 घंटे मिलते हैं हमें तो हम उसमें अपने बच्चों को भी देखते हैं और अपन जो
और थोड़ा बहुत अपना जो वीडियो हम बनाते हैं तो उसको एडिट कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी मतलब फ्री नहीं रह पाते हैं, तो इसीलिए हमारा थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो आने में, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है और काफ़ी काम भी हो जाते हैं घर के, और उसके बाद वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है, तो हम अपना वीडियो रात को एडिट करते हैं। जब हमारा काम हो जाता है, सभी सो जाते हैं, तब हम उसके बाद ही अपना वीडियो एडिट करते हैं, और थंबनेल वगैरह बनाने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, हर एक चीज़ का एकदम से नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे ही सीखना पड़ता है। अगर कोई काम करो तो धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। और तो दोस्तों बहुत ही मेहनत से कर पाते हैं इतना, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड इधर हो गई थी शाम, तो हमारे कपड़े उपड़े सिल गए थे, खाना पीना भी हो गया था, और शाम हो गई थी, तो आज बाजार थी, सोमवार था, तो हमारे यहाँ पास में बाजार लगता है, तो वहीं से मेरे हस्बैंड लाए थे सब्जियाँ, और तो सब्जियों में आज लाए हैं टमाटर, और उसको हाथी चक बोलते हैं, जो कि हमने अपने ससुराल में ही आके जाना है इस सब्जी को, हमारे यहाँ ये सब्जी नहीं मिलती थी, ना ही हम उसको जानते थे, पहली बार नाम भी सुना था हमने। और मेथी भी लाए हैं, अदरक लाए थे, फूल गोभी लाए थे, और उसके साथ ये डबल रोटी भी लाए थे, तो और हरी मिर्च थी, तो हम सारी सब्जियां अपने फ्रिज में लगा देंगे। और उसके बाद अभी हमें तुरपाई भी करनी है, तुरपाई करेंगे, सूट हमने सिले थे तो उसमें तुरपाई भी करनी है, तो उसके बाद ही हम आज सो हमारी चाय भी ख़त्म हो गई थी, तो हमने चाय भी मंगवाई थी, तो ये बड़ा वाला पैकेट लाए थे, तो उसको हम डब्बा में कर लेंगे, और ये हमने और फिर उसके बाद हम बैठ गए हैं इधर तुरपाई करने, सूट में तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, दिन में काम वाम करके कपड़े सिलते हैं, तो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं बचता है तुरपाई करने के लिए। और आज काफ़ी ठंड लग रही थी, तो हमने अपने हस्बैंड का जैकेट पहन लिया था, क्योंकि हमने अभी अपने स्वेटर नहीं निकाले हैं, तो उनका ये जैकेट बाहर ही था, तो हमने वही पहन लिया है इधर। बाकी के लोग सभी सो गए थे और हम तुरपाई कर रहे थे, तो तुरपाई करके उसके बाद ही लेटेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो आ गया है आप सबसे विदा लेने का, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।